टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पावर ऑफ द लेंस। ओके, लेंस की पावर से हम क्या समझ रहे हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि लेंस का क्या काम होता है। तो आप बोलेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस का काम अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को दबा देना, कन्वर्ज करना होता है। ठीक है, ये लेंस आया, रेस पड़ी, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। और कॉनकेव लेंस का वर्क रेस को डाइवर्ज करने का होता है। ये कोई भी रेस कॉनकेव लेंस से पास होगी तो वो उसको कितना डाइवर्ज करता है। तो बेसिकली कितने अच्छे से अपना काम करते हैं, क्या काम, कन्वर्ज करने का काम या डाइवर्ज करने का, यही उसकी पावर कहलाता है। ठीक है, लेंस का काम है, या तो कॉन्वेक्स लेंस का काम है रेस को कन्वर्ज करना, एंड द वर्क ऑफ कॉनकेव लेंस इज रेस को डाइवर्ज करना। तो कोई अपना काम कितने अच्छे तरीके से करता है, कौन सा लेंस क्या काम है उसका, कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, वही उसकी पावर कहलाता है। ओके, हो सकता है ये लेंस बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कोई दूसरा लेंस लाए और उसने रेस को ये कन्वर्ज नहीं करा, कन्वर्ज नहीं करा, कन्वर्ज नहीं करा, बहुत दूर करा। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे अभी इसकी कन्वर्जेंस कम है, पावर कम है इसकी, ज़्यादा एक लेंस ने एकदम से कन्वर्ज कर दिया, बोलेंगे पावर ज़्यादा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो पावर ऑफ द लेंस से हम क्या समझ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ द लेंस। तो आंसर है ये बेसिकली कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करने की उसकी क्षमता, डिग्री होता है कितना हाईली कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन। इट इज़ द डिग्री, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइन एज, इट इज़ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। ऑफ द लेंस, लेंस किसी चीज़ को कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है, कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है। कंपैरिजन करते हैं, ये लेंस L1 मान लेते हैं एंड वो लेंस L2 मान लेते हैं। दो लेंस ले लेते हैं L1 एंड L2, दोनों ही कॉन्वेक्स ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में ही लेट अस से कि ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है, लेंस 1 पे रे टकराई और इसने ये धीरे 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 यहाँ पर कहीं पर जाकर कन्वर्ज करा, इसका फोकस है। लेंस 2 क्या कर रहा है, ये रेज आई और इसने जस्ट यहीं कन्वर्ज कर दी, ये इसका फोकस है। ओके, तो मैं बोलूँगा इसकी पावर L2 की लेंस की पावर ज़्यादा है। क्यों पावर ज़्यादा है, क्योंकि इसने अपना काम अच्छे से करा। क्या काम था, कन्वर्ज करने का, इसने ज़्यादा करा, इसकी पावर ज़्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी फोकल लेंथ कैसी है, कम है कि ज़्यादा है। अगर लेंस 2 की पावर ज़्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ कैसे है, कम है या ज़्यादा है, व्हाट इज़ फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस होता है। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सर जिस भी लेंस की पावर ज़्यादा होगी हमेशा फोकल लेंथ कम होगी। यस, तो इसीलिए बहुत जगह आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखा मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी कौन सी डेफिनेशन, फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन, आपको ये तो मिलता ही है डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जेंस। इसके अलावा ये डेफिनेशन भी हमें मिलती है, क्या, इट इज़ पावर ऑफ द लेंस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और ज़्यादातर हम फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं, तो इसीलिए पावर का फॉर्मूला आपको असली में 1/f मिलेगा एंड फोकल लेंथ इन मीटर में लेनी है। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस हम SI यूनिट में निकालना चाहते हैं एंड SI यूनिट इज़ डायोप्टर। तो अगर आप पावर डायोप्टर यानी कि D में चाहते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में लीजिए, इसीलिए पावर का फॉर्मूला 1/f है, बिकॉज फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज़्यादा। ओके, क्लियर के डाउट, ठीक है, वही बात कर रहे हैं। सो पावर ऑफ द लेंस इज 1/f एंड फोकल लेंथ इज इन मीटर। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर को किस में बोला जाएगा, मास के लिए बोलते हैं किलोग्राम, फोर्स न्यूटन में होता है,
इसी तरह से SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर पावर की SI यूनिट है, पावर को मेजर करने की यूनिट्स है डायोप्टर। ठीक है, आप सुनिए, अगर हमें डिफाइन करना है वन डायोप्टर, हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ भी वन हो जाए तो पावर भी कितनी आएगी? वन। तो हम ये बोलेंगे वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू वन डायोप्टर, ओ वन मीटर, सॉरी, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू वन मीटर। ठीक है, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ भी वन मीटर होगी तो उसकी पावर भी वन डायोप्टर बोली जाएगी। क्लियर। एक बात और, आगे चलते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं होती? तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये रिज़ल्ट भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो अगर आपको ये कहा जा रहा है कि पावर ऑफ अ लेंस इज टू डायोप्टर, बताइए कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो आपने देखा ये तो प्लस है, तो आप समझ गए ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही है ना। इसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। याद कीजिए कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, रे आती है वो ऐसे डाइवर्ज और यहाँ कहीं फोकस होता है ना, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर का फॉर्मूला जब आप रखेंगे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, ये नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी है ना, तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो उल्टा भी, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई लेंस है और उसकी पावर है -3.5 डायोप्टर, बताइए किस तरह का लेंस है, बता सकते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स? यस, नेगेटिव मतलब कॉनकेव लेंस है। ठीक है, आसान, समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन पावर का फॉर्मूला फिर से मैं आपको बता दूँ, 1/f और फोकल लेंथ जब आप मीटर में रखेंगे तो ही पावर की यूनिट डायोप्टर यानी कि SI यूनिट में आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए फोकल लेंथ हम मीटर में ही रखते हैं ताकि हमारा आंसर डायोप्टर में आए, सेंटीमीटर में रख के डायोप्टर में नहीं आएगा, तो हमें तो डायोप्टर में बताना है इसीलिए ऐसा लिया जाता है। ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन करें। हाँ मीटर में, चलो लेट अस फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, ओके, अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर and also tell its nature। ये किस तरह का लेंस है ये भी आपको बताना है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि सॉरी मैं यहाँ माइनस लिखना भूल गया, हम तो मान रहे हैं कि ये नेगेटिव है, as focal length is negative, ठीक है, तो it must be a concave lens, must be a concave lens, है ना। And what is the formula for power? Power is 1/f. Be careful, focal length should be in meter. Focal length should be in meter. So let us write 1/ में focal length कितनी है? 40 सेंटीमीटर, negative sign के साथ. But ये तो meter में लेना है, तो divide by 100, उसको 100 को ऊपर ले जाते हैं divide करने के लिए. ये हो गया meter में convert. इसको solve करिए तो -2.5 diopter. तो power is equal to negative of 2.5 diopter. यस और नो,
क्लियर। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, हमें पावर देकर फोकल लेंथ भी पूछ सकते हैं। चलो थोड़ा आगे की बात करते हैं। अच्छा ये तो अभी हमने एक लेंस का करा, अगर हमें बहुत सारे लेंसेस इकट्ठे रख दिए जाए चिपका के, फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसे टच कर एक कॉनकेव लेंस रख दिया जाए, फिर एक और कॉन्वेक्स रख दिया जाए, फिर एक और कॉनकेव रख दिया जाए, ऐसे सो ऑन। मैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉनकेव कॉन्वेक्स रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब चिपका के रखने। तो ऐसे में इनकी पावर्स का क्या होगा? सपोज़ इसकी पावर है P1, ये जो दूसरा लेंस है इसकी पावर है P2, ये जो तीसरा लेंस है इसकी पावर है P3, ये जो फोर्थ लेंस है लास्ट वाला इसकी पावर है P4, है ना? तो क्या होगा आंसर इनका, क्या होगा पावर्स का, ठीक है ना? तो उसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं, टर्म समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। व्हेन टू और मोर लेंस, व्हेन टू और मोर लेंसेस लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, विद व्हेन टू और मोर लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट पावर इज कॉल्ड, जो भी उनकी रिजल्टेंट पावर है दैट इज नोन एज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड इज गिवन बाय, और उसको कैसे निकाला जाएगा, क्या फॉर्मूला है, गिवन बाय PC दैट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू जितने भी लेंसेज हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दो। ओके अगर एंड इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वेयर P1 P2 P3 एंड PN आर द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल सन, लेकिन ये अलजेब्रिक पावर्स है, अलजेब्रिक का मतलब है इनके साइन विद साइन आप ऐड करेंगे, मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस डालो, अगर कॉनकेव लेंस है तो माइनस डालो, ये इनके अलजेब्रिक सम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल हमने कहा ये एक लेंस है P1 एंड कॉन्वेक्स लेंस है, लेट इट्स पावर बी P2, ओके, इसके साथ हमने टच करके कॉन्टैक्ट में बिल्कुल बिना गैप के एक और लेंस रख दिया है, ये कॉनकेव लेंस है दिस वन, और इसका पावर है हमने कहा चलिए -3.5 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्टैक्ट में एक और लेंस रख दिया है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड लेट इट्स पावर इज 1 डायोप्टर ओनली, ओके। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज P1 प्लस P2 प्लस P3, लेकिन कौन सा सम है, इनका अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक मतलब हम उनके साइंस पर भी ध्यान देंगे, 2 प्लस -3.5 प्लस 1.0 कितना हो गया, 2 और 1 3, और -3.5 इज -0.5, दिस इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये -0.5 का मतलब है एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, फाइनली कैसा बिहेव करेगा ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं इसकी फोकल लेंथ भी बता दीजिए कॉम्बिनेशन की, तो बड़ा आसान है, PC इज इक्वल टू 1/FC, मतलब पावर इज इक्वल टू 1/F, तो कॉम्बिनेशन के लिए हमने ऐसा लिख दिया, तो व्हाट इज़ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, वो उधर जाएगा नीचे आएगा 1/PC,
वन अपॉन पी सी, वट इज़ पी सी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज़ माइनस 0.5। डाल दिया, पॉइंट हटाएंगे, टू लगाएंगे, तो ये नेगेटिव टू, और क्योंकि वो डायप्टर पे था तो ये मीटर में आएगा, माइनस टू मीटर। क्लियर? कौन सा डायप्टर के लिए पॉइंट लगाना? हाँ, टू से भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। हाँ, एक बात और, अगर बीच में गैप ना हो, तो अगर दो लेंसेज हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इफ़ टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट, हाँ लिख लो, अगर दो लेंसेज हैं और वो डी डिस्टेंस अपार्ट है, मान लीजिए ये एक लेंस है पी वन और ये एक लेंस है पी टू और ये डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का क्या फॉर्मूला बनेगा? दैट इज़ पी वन प्लस पी टू माइनस डी इंटू पी वन इंटू पी टू। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर अभी जो हमने पिछला फॉर्मूला लिखा था उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं था, अगर गैप होगा बीच में तो दिस द फॉर्मूला, डी डिस्टेंस अगर होगा तो हम इस फॉर्मूला से लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। दी फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज माइनस 40 सेंटीमीटर एंड अनदर लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। विद ईच अदर फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फोकल लेंथ है एक लेंस की माइनस 40 सेंटीमीटर और दूसरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। आप ट्राई करेंगे? ओके, क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंथ हमें लेंसेज की गिवन है, तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ माइनस 40 है और फोकल लेंथ को देखकर हम समझ गए कि बेसिकली कॉनकेव लेंस है, और दूसरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दोनों कांटेक्ट में रखे हैं, और व्हाट वी नीड टू फाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये बड़ा क्लियर है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में हम पावर्स ऐड करते हैं, फोकल लेंथ ऐड नहीं करते हैं, है ना। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला था? इट इज़ सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पावर, जो जो इंडिविजुअल पावर है उनका सम करो, यू विल गेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो हमें पावर निकालनी चाहिए ना, तो अगर हमें फोकल लेंथ गिवन है तो हम उससे एक पावर निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ पहले लेंस की पावर क्या होगी? दैट विल बी वन अपॉन उसकी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मतलब वन अपॉन 40 डिवाइड, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस विल बी गिवन बाय वन अपॉन फोकल लेंथ, दैट विल बी वन अपॉन, हाँ फोकल लेंथ कितनी थी, कितनी थी उस लेंस की, 40 ना, माइनस, एंड इट शुड बी इन मीटर, तो 100 से डिवाइड करते हैं 41 एंड माइनस 2.5 डैप्टर, तो जो फर्स्ट लेंस है दैट्स पावर इज माइनस 2.5 डैप्टर। ठीक है, अच्छा सेकंड लेंस की पावर निकालते हैं, दैट विल बी गिवन बाय 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, दैट इज 1 बाय 20 एंड डिवाइड बाय 100, कितना 5 डैप्टर,
तो व्हाट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज़ गिवन बाय पी वन प्लस पी टू. व्हाट इज पी वन? माइनस 2.5 प्लस 5.0. तो व्हाट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन? दैट इज 2.5 डाल्टन. तो उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या बनेगी? 2.5 डाल्टन. ओके, एक्स्ट्रा जाएगा तो पूछ लेगा फोकल लेंथ बता दो कॉम्बिनेशन की. अरे तो अगर PC हमें पता है 1/FC होता है, तो FC विल बी 1/PC, है ना? तो दैट विल बी 1/2.5. और ऑब्वियसली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर में आएगा. मैं चाहता हूँ नहीं सेंटीमीटर में आ जाए, बड़ा छोटा आ रहा है. तो सेंटीमीटर के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया, सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी, अब ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर. तो ये 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस. देखो यहाँ से भी कॉन्वेक्स आ रहा है. क्लियर डाउट?